Hello students, so we were studying our class 4th chapter 2nd. Each one is unique. Some of its activities we have already done. We have done its A part till forget, and the next B part is match the words in column A with their meaning in column B. हमारे पास यहाँ पे जो कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसका जो मीनिंग है वो कॉलम बी में दिए गए, तो अपने इन दोनों को मैच करना है. ओके, तो अब देखो, फर्स्ट लंच. लंच क्या होता है? जो अपने दोपहर के टाइम करते हैं, मिडल ऑफ द डे. तो ये जो लंच का है, ये यहाँ पे आप यहाँ मैच करोगे. एंड सेकेंड इज स्प्रेन. तो ये स्प्रेन अभी आपने ईच वन इज यूनिक के जो चैप्टर में आपने पढ़ा, जो राम और जो उसकी बाद वाली जो स्टोरी थी जिसमें हैंडीकैप्ड बॉय था राम, तो उसमें जो वो खिलाड़ी था, प्लेयर था, उसकी मोच आई थी पैर में, तो स्प्रेन मोच होती है. तो ये जॉइंट में जो अपने इंजरी होती है, तो इसके लिए ये वाला आंसर आ जाएगा. एंड थर्ड पेरेंट्स. पेरेंट्स जो हमारे मदर एंड फादर को बोलते हैं, माता पिता को, तो ये आ जाएगा. एंड हैपन. हैपन मतलब कुछ घटना घटित हो जाना, यानी टेक प्लेस. एंड द नेक्स्ट इज वरी. वरी मतलब चिंता करते हैं. चिंता हम किस चीज़ की करते हैं? जो अभी कुछ उल्टा सीधा हो ना जाए या कुछ अनप्लीजेंट ना हो जाए. टू कीप थिंकिंग अबाउट द हैपनिंग ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट. तो कुछ मतलब दुख भरी घटना ना मिले हमें, इसके लिए हम हमेशा सोचते रहें, तो उसको फालतू की चिंता करना बोलते हैं. तो ये वरी है, ये वरी को यहाँ पे मैच हो जाएगा. एंड नेक्स्ट इज रीजनेबल. रीजनेबल होता है फेयर, प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल. लास्ट इज सिंपल. जो सिंपल होता है वो स्पेशल नहीं होता, तो इसलिए नॉट स्पेशल या ऑर्डिनरी. तो ये जो अपना मैचिंग वाला पार्ट है, ये हो चुका है. एंड द नेक्स्ट इज द सी पार्ट. हियर सम सेंटेंसेस विद सम वर्ड्स. वी हैव टू पुट राइट लेटर्स इन द वर्ड्स. द फर्स्ट इज इट इज एन इम्पोर्टेंट मैच. तो ये जो उस प्लेयर के लिए इम्पोर्टेंट मैच था, पर वो खेल नहीं पाया क्योंकि उसके स्प्रेन आ गई थी. तो इम्पोर्टेंट की स्पेलिंग को आप पूरा करोगे, यहाँ पे ओ आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा. सेकेंड नेक्स्ट इज ही वेंट टू हॉस्पिटल बिकॉज ही वॉज इल. जब अपने इल होते हैं तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, तो ये हॉस्पिटल की स्पेलिंग है. आपको आइडिया हो जाएगा अगर आप सेंटेंस पढ़ोगे, तो एच ओ एस पी आई. ओके, नेक्स्ट इज आई गॉट एडमिशन. तो यहाँ पे एडमिशन की स्पेलिंग है, यहाँ पे आई और यहाँ पे ओ. ओके, एंड फोर्थ इज रमेश इज माई बेस्ट. और यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड. ही गॉट फर्स्ट प्राइज फॉर हिज मॉडल इन फिजिक्स. तो उसमें जो फिजिक्स का मॉडल बनाया था इस चैप्टर में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, तो यहाँ पे वही मॉडल की स्पेलिंग लिखनी है आपको. तो आप क्या लिखोगे? एम ओ डी ई एल, डी हो जाएगा मॉडल. अब आपने इसमें एक चीज नोट की होगी, तो जो सभी के सभी आपके ये जो अपने वर्ड्स में जो लेटर्स लिखी हैं, ये आपने सिर्फ वोल्स लिखी हैं, ए ई आई ओ यू. ये सिर्फ इन पांचों के अंदर ही है. तो अगर कभी भी आपको मान लो कुछ समझ में ना आए, तो आप इन वर्ड्स में अगर ए ई आई ओ यू में से कुछ ना कुछ मैच करके देखोगे, तो आपको आइडिया जरूर हो जाएगा कि ये किस चीज की स्पेलिंग है. नेक्स्ट एक्टिविटी थर्ड, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिवन बिलो. तो हमें ये सेंटेंसेस देखने हैं. फर्स्ट इज हे आई कैन बैट. मैं बैटिंग कर सकता हूँ. यू कैन नॉट मूव ऑन द फील्ड. तुम फील्ड पर हिल भी नहीं सकते. हाउ कैन यू प्ले विद द स्प्रेन्ड फुट. तुम मोच आए हुए पैर से कैसे खेल सकते हो. समवन कैन रन फॉर मी. कोई मेरे लिए दौड़ सकता है. कैन आई यूज योर फोन. क्या मैं तुम्हारा फोन उपयोग कर सकता हूँ. यस यू कैन. तो आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे इन सेंटेंसेज में एक वर्ड कॉमन है, कैन, कैंट, और ये कैन वाला क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस हो गया. यहाँ पे भी कैन, यहाँ पे भी कैन. ओके, तो इसका मतलब हमारे पास ये सेंटेंसेस कैन और कैंट को लेके हैं. तो ये देखो,
कैन कब अपने यूज करते हैं? जब एबिलिटी या पावर टू डू समथिंग, जब हम अपन बोलते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, कुछ भी है वो, आप अगर आप अपनी एबिलिटी दिखाते हो कि मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, तो वहाँ पे आप हमेशा क्या लिखोगे? कैन. जब आप खुद की पावर दिखाते हो तो आप कैन लिखोगे. कैन हैज बीन यूज फॉर शोइंग द पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग इन प्रेजेंट. जब आप कोई प्रेजेंट टाइम में कुछ पॉसिबिलिटी दिखाते हो कुछ करने की, उसके लिए भी कैन का प्रयोग होता है. नेक्स्ट जो फिफ्थ सेंटेंस है उसमें कैन प्लस इन्फिनिटिव, जब आप इसके साथ में कैन डू, कैन प्ले, कैन के साथ वर्ब कुछ भी लिखाते हो फॉर शोइंग द एबिलिटी. जैसे पहले मैंने आपको बताया कैन अपने कब लगाते हैं, जब आप बोलते हो कि मैं ये कर सकता हूँ, तो कैन के जस्ट बाद में आप वो जो कर सकते होते हो वो लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं. द नेगेटिव ऑफ कैन इज कैंट. ये देखो कैन का जो नेगेटिव, अगर आप कर सकते हो तो आप बोलोगे कैन, अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप बोलोगे कैन नॉट. और कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म ये होती है कैंट. जब आप कैन के साथ में ऐसे अपोस्ट्रोफी लगा के और टी लगा दोगे तो इसका मतलब ये कैन नॉट ही लिखा हुआ है. नेक्स्ट देखो, वी कैन ऑल्सो यूज बी एबल टू इन प्लेस ऑफ कैन, बट कैन इज मोर यूज. अपन क्या लिख सकते हैं कैन की जगह पर? ये भी लिख सकते हैं बी एबल टू, मतलब मैं योग्यता रखता हूँ. बात सेम ही है, चाहे आप कैन लिखो चाहे बी एबल टू लिखो. तो अब इसमें जो हमारे ये कुछ सेंटेंसेस ही दिए गए हैं, अभी इसका जो ए पार्ट आप ये देखो, मेनली ये है कैन कैन नॉट का. फिल इन द ब्लैंक्स विथ कैन कैन नॉट कुड एज रिक्वायर्ड. हमारे पास तीन ही शब्द हैं, कौन कौन से? कुड, कैन नॉट एंड कैन. तो हमें अगर आप कुछ कर सकते हो तो आप लिखोगे कैन, अगर आप सेंटेंस के बेस पे आप इसका मतलब ये आया कि नहीं कर सकते तो आप लिखोगे कैन नॉट. अगर पास्ट टेंस यानी कि जो पहले की घटना घटित हो चुकी है ऐसा कुछ आए तो आप क्या लिखोगे? कुड. पास्ट टेंस के लिए कुड आएगा. अब देखो, अभिनव ड्राइव बट ही हैज नॉट गॉट ए कार. बट ही हैज नॉट गॉट, उसके पास हैज नॉट कार नहीं है. जब कार ही नहीं है तो वो ड्राइव कर सकता है क्योंकि बट लगा है. अगर बट ना लगा होता तो यहाँ पे कैन नॉट आ सकता था, बट यहाँ पे बट लगा है, इसका मतलब दोनों जो सेंटेंस हैं आपस में विरोधाभास होंगे. अगर इधर नॉट है तो यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा, और इधर नॉट लगा हुआ है तो यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा. अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? कैन. तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? कैन. सेकेंड देखो, यहाँ पे भी बट वाला सेंटेंस है, और जब बट वाला सेंटेंस हो जाता है तो दोनों आपस में एक दूसरे को काटते हैं. बट आई कैन सी यू ऑन संडे मॉर्निंग. देखो यहाँ पे कैन लिखा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैन नॉट आ जाएगा. जब बट होता है इसका मतलब जो बट से पहले वाला सेंटेंस और बाद वाला सेंटेंस, उन दोनों में आपस में अपोजिट होंगे, उनमें विरोधाभास होएगा. अगर एक में कैन है तो दूसरे में कैन नॉट आएगा. और जो सो है ये भी बिल्कुल वैसा है, और जो बिकॉज है ये भी बिल्कुल ऐसा है. बट सो एंड बिकॉज ये तीनों ऐसे हैं, इसके अगर पहले वाले सेंटेंस में कैन है तो दूसरे में कैन नॉट आएगा, अगर पहले वाले में कैन नॉट है तो दूसरे में कैन आएगा. अब देखो, माई फ्रेंड इज इल, मेरा फ्रेंड बीमार है, सो ही कैन नॉट, इसलिए वह मेरे साथ खेलने नहीं जा सकता. तो ये आप ऐसे लिखोगे. आगे, बिकॉज ही हैज ए स्प्रेन इन हिज एंकल, क्योंकि उसके जो एंकल है, टखना है, उसमें मोच है, इसलिए वह दौड़ सकेगा या नहीं दौड़ सकेगा? जब उसके मोच आई हुई है तो वो नहीं दौड़ पाएगा. यहाँ पे आप क्या लिखोगे? ही कैन नॉट, वह नहीं दौड़ सकता. क्यों नहीं दौड़ सकता? बिकॉज, क्योंकि उसके घुटने में क्या है, टखने में क्या है, मोच है. When I was a child, अब यहाँ पे देखो आप was लगाए, और was किसके लिए होता है? Past tense के लिए होता है. और जब was या past tense के लिए, जो पहले का, अगर मैं बच्चा, जब मैं बच्चा था, I could,
जब मैं बच्चा था, वॉज का मतलब था, तो ये पहले की बात हो रही है जब वहां पे कुड आएगा। जब मैं बच्चा था आई कुड क्लाइंब अ ट्री, मैं पेड़ पर चढ़ सकता था। द प्रिंसिपल टोल्ड, अब देखो टोल्ड, ये टोल्ड भी पास्ट टेंस के लिए है। प्रिंसिपल ने बताया, हमें बताया, मतलब प्रिंसिपल हमें बता चुके हैं, मतलब पहले बताया था, तो यहां पे क्या आएगा, कुड। यहां पे भी आप कुड लिखोगे। एक्सीडेंट्स हैपन, अब देखो हैपन प्रेजेंट टेंस के लिए होता है, तो यहां पे आप बिना कुछ सोचे समझे कैन लिखोगे। एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर, जो एक्सीडेंट है कहीं पे भी हो सकते हैं, तो इसलिए कैन लिखेंगे। एज अ टेनिस प्लेयर, एक टेनिस प्लेयर होते हुए, ही बीट एनीबडी इन हिज यंग एज, ही कुड एनीबडी इन हिज यंग एज, तो यंग एज की बात हो रही है, मतलब जब वो जवान था तो वो किसी को भी बीट कर सकता था, हरा सकता था, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, कुड लिखेंगे, क्योंकि उसकी यंग एज की बात हो रही है। तो आपको ये सेंटेंस का मीनिंग समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आइडिया लगा पाओगे कि कैन आएगा या कैन नॉट आएगा या कुड आएगा। ये देखो अ डेफ, डेफ क्या होता है, जो बहरा होता है, जिसको सुनाई नहीं देता। इज अ पर्सन, ए डेफ इज अ पर्सन हु हियर एनीथिंग, जो कुछ भी सुन, अब बताओ जो बहरा है वो सुन नहीं सकता, तो यहाँ पे आपको पता है नॉट जरूर आएगा, तो किसके साथ आएगा, कैन के साथ आएगा, क्योंकि बहरा है जो वो सुन नहीं सकता, इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कैन नॉट। टेंथ देखो, आई हैव नो मनी, सो मेरे पास पैसे नहीं है, सो आई लैंड यू एनी मनी, तो मैं तुम्हें उधार, अब देखो जब खुद के पास ही नहीं है मनी तो उधार दे सकता है या नहीं दे सकता, तो ये भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे कैन नॉट, यही यहाँ पे नाइन्थ और टेंथ में कैन नॉट, दोनों में कैन नॉट आएगा। इसके बाद में आप देखो इसका नेक्स्ट बी पार्ट, अब यहाँ पे री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कैन, कैन नॉट, कुड, कुड नॉट। अब यहाँ पे जो जो आपको यहाँ पे सिक्स सेंटेंसेस हैं इसमें अंडरलाइन किया हुआ है, ओके, तो ये अंडरलाइन जो सेंटेंसेस हैं, जो अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं, उसकी जगह पे आप या तो कैन लिखोगे या कैन नॉट लिखोगे या कुड लिखोगे या कुड नॉट लिखोगे, तो वो आपको कैसे पता चलेगा, अगर आपके पास प्रेजेंट टेंस हो, पहली बात तो आपने नॉट देखना है, अगर आपके सेंटेंस में नॉट है इसका मतलब आप के पास दो ही आंसर हैं, या तो कैन नॉट या कुड नॉट, अगर नॉट लगा है तो, अगर नॉट नहीं लगा है तो आप क्या लिखोगे, या तो कैन या कुड। अब देखो कैन कहाँ आएगा और कुड कहाँ आएगा, अगर आपके पास प्रेजेंट टेंस है, देखो फर्स्ट में जैसे इज है तो इज प्रेजेंट टेंस होता है, तो यहाँ पे इज आ गया, मतलब आपके पास कौन कौन से रह गए, प्रेजेंट टेंस वाला या तो कैन है या कैन नॉट है, दो है, और जो पास्ट टेंस वाले कुड हैं या कुड नॉट हैं, तो हमारे पास इज आते ही हमारे पास पता हो गया कि ये कैन आएगा या कैन नॉट आएगा, तो और इज एबल टू, इसमें नॉट कहीं नहीं लगा है, तो फर्स्ट में क्या आएगा, कैन आ जाएगा, फर्स्ट में कैन आ जाएगा। सेकंड देखो, हिज लेग हैज स्प्रेन्ड, हैज भी प्रेजेंट टेंस के लिए होता है, He is not able to, जो present tense होता है present tense के लिए पहले वाले दोनों हैं, अब इसमें not लगा है तो इसलिए आप क्या लिख लोगे यहाँ पे, cannot, यहाँ पे भी second में cannot आ जाएगा। Third, as I got late, I was, यहाँ पे देखो past tense आ गया तो यहाँ पे could आएगा, not भी लिखा है तो यहाँ पे could not आ जाएगा third में। Fourth में, our school team played well, बट was आ गया, फिर से कुड आएगा, नॉट लगा है तो कुड नॉट आएगा। अब ये कैसे बन जाएगा, आर स्कूल टीम प्लेड वेल बट कुड नॉट एबल टू विन, यहाँ पे कुड नहीं सॉरी बट कुड नॉट विन, जहां तक आपकी लाइन लगी है उस सारे को आप खा जाओगे, और यहाँ पे आप एक ही वर्ड लिखोगे, कौन सा, अगर वाज है तो आपको पता लग गया कुड लिखना है, नॉट भी लगा है तो कुड नॉट लिखना है, बट के बाद में कुड नॉट लिखोगे, फिर सीधा विन लिख दोगे,
नेक्स्ट माई ग्रैंड फादर वॉज, तो यहाँ पे भी वॉज से आपको पता है कुड आएगा या कुड नॉट आएगा, तो यहाँ पे क्या है वॉज एबल टू, इतना ही है, नॉट नहीं है, तो क्या लिखोगे अकेला कुड, क्या आ जाएगा ही कुड प्ले चेस वेल। नेक्स्ट आई लुक्ड फॉर द बुक एवरीवेयर बट आई वॉज नॉट एबल टू, वॉज फिर से है तो कुड आएगा, नॉट भी लगा है तो कुड नॉट, ये वाला जो है वॉज नॉट एबल टू आप सारा खा जाओगे, यहाँ पे आप कुड नॉट लिखोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आई लुक्ड फॉर द बुक एवरीवेयर बट आई कुडंट फाइंड इट, तो कुड नॉट फाइंड इट आ जाएगा। नेक्स्ट इसकी ये एक्टिविटी फोर्थ है, तो ये प्रोनाउंस करने हैं, ये तो आपने सिर्फ बोल के देखनी है, ये एक सेकेंड फॉर्म्स हैं सभी की, कंप्लीटेड करेक्टेड डिवाइडेड डिसाइडेड इनवाइटेड रिवार्डेड एडेड अराइव्ड प्रोवाइडेड वेटेड वेस्टेड एक्टेड प्रोटेक्टेड। ये सेकेंड वाले में गेम्स वर्ड्स गोल्स टीचर्स एस लगा है सभी में, थर्ड में ई एस लगा है सभी में, ये क्लासेस क्लासेस मैचेस बैचेस कैचेस, ओके ये सिर्फ आपने प्रोनाउंस करने के लिए है। यहाँ पे जो फिफ्थ की एक्टिविटी है ये आप देखो, यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ राइट फाइव सेंटेंसेस अबाउट थिंग्स यू कैन डू, आप फोर्थ क्लास के स्टूडेंट हो, आप जो भी कुछ कर सकते हो उसके बारे में फाइव सेंटेंसेस लिखने हैं, कैन डू जो आप कर सकते हो, देखो फर्स्ट इन्होंने लिख दिया आई कैन रन अ रेस, ठीक है, सेकेंड है जैसे आप लिख सकते हो कि आई कैन राइड आर आई डी ई राइड ए बाइसिकल, क्या लिखोगे बी आई सी वाई सी एल ई, आप साइकिल चला सकते हो, तो हाँ आई कैन राइड अ बाइसिकल। थर्ड है स्विम वेल, अगर आप तैरना जानते हो तो आप लिख दोगे आई कैन स्विम वेल। प्रिपेरिटी, आपको चाय बनानी आती है तो आप लिखोगे आई कैन प्रिपेयर टी। नेक्स्ट है अ लेटर टू माई फ्रेंड, लेटर टू माई फ्रेंड, अब लेटर को लिखना पड़ेगा तो आप क्या लिखोगे आई कैन राइट आई कैन डब्ल्यू आर आई टी ई राइट आई कैन राइट अ लेटर टू माई फ्रेंड, मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे कैन नॉट वाला आ गया, यहाँ पे अपने कैन नॉट वाले लिखने हैं। स्विम, अब स्विम है तो आप यहाँ पे लिखोगे कैन नॉट आई कैन नॉट स्विम। थर्ड में आप लिखोगे दे कैन नॉट, चाहे आप कैंट लिख के यहाँ पे पोस्ट ऑफ यस लगा दो, चाहे आप पूरा कैन नॉट लिख दो, एक ही बात है। फोर्थ में वी, यहाँ पे भी कैन नॉट सेम, यहाँ पे भी शी कैन नॉट सेम। उसके बाद में नेक्स्ट है ये पास्ट टेंस के लिए है, आई कुड वॉक, जो आप अबाउट व्हाट यू कुड डू, जो आप कर सकते थे एंड व्हाट यू कुड नॉट डू इन योर चाइल्डहुड, जो आपने बचपन में कर सकते थे और जो बचपन में आप नहीं कर सकते थे उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। आई कुड वॉक अलोन लिख सकते हो, इन द नाइट व्हेन आई वॉज चाइल्डहुड, या अगर आप रात को नहीं चल सकते थे अकेले जब छोटे थे तो आप लिख दोगे आई कुड नॉट वॉक अलोन इन द नाइट। इस तरीके से आपने फाइव सेंटेंसेस कुड वाले बनाने, चाहे आप ऊपर वाले सेम ही बना लेना, ऐसे आप शुरू करोगे इसको। आई कुड नॉट स्विम, कुड नॉट वाले वही सेम आप लिख सकते हो। ये लास्ट है कलेक्ट द पिक्चर ऑफ सी डब्ल्यू एस एन एंड राइट अबाउट देयर अचीवमेंट्स, हाँ तो ये जो डी पार्ट है इसमें कुछ सी डब्ल्यू एस एन, ये देखो सी डब्ल्यू एस एन क्या होता है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो कुछ बच्चों के लिए स्पेशल नीड्स होती हैं, जैसे कोई व्हील चेयर पर होता है बच्चा, या किसी को कोई सुनने में दिक्कत होती है, या कोई बच्चा मतलब अपने आंखों से देख नहीं सकता, तो ऐसे बच्चों की ने कुछ, फिर भी वो मेहनती होते हैं पर वो कुछ ना कुछ अचीव करते हैं, जैसे कोई अंधा होते हुए भी पढ़ता है, कोई सुनता नहीं है पर वो क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी है या किसी और गेम का अच्छा खिलाड़ी है, तो इस तरीके से उन्होंने क्या क्या अचीव किया है उसको कलेक्ट करके एक चार्ट बनाना है। अगर आपके नज़र में कोई ऐसे हों तो आप एक चार्ट जरूर प्रिपेयर करना। तो इसका जो नेक्स्ट थर्ड चैप्टर है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
Till then, bye-bye all.